स्वर्गीय अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही विधानसभा की सीट खाली हो चुकी है और आने वाले दिनों में मरवाही में उपचुनाव होने हैं। 29 मई के बाद से 6 महीने के भीतर इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं। सुबुगाहट के साथ ही तैयारियों का भी दौर अब शुरू हो चुका है। चाय पर चर्चा के माध्यम से कांग्रेस इस सीट पर अपनी संभावनाएं तलाश रही है, तो जनता कांग्रेस यानी स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी की भी सक्रियता की खबरें हैं। मरवाही के इतिहास पर नजर डालें तो यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। सिर्फ 2 बार इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के भंवर सिंह परते ने 1972, 77 और 80 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीता था, तो 1990 का चुनाव भाजपा की टिकट पर जीता। वहीं भाजपा ने 1990 और 98 का चुनाव जीता था। इसके बाद 2003 से लेकर 2018 तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में 2003, 2008 में कांग्रेस और 2018 में अपनी नई पार्टी जनता कांग्रेस से स्वयं अजीत जोगी यहां से चुने गए थे। यह सीट स्वर्गीय अजीत जोगी का गढ़ माना जाता है। 2013 में उनके पुत्र अमित जोगी यहां से कांग्रेस की टिकट पर विजयी हुए थे। देखा जाए तो इस क्षेत्र की तासीर कांग्रेस की ही रही है। लंबे समय तक कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव जीता गया, लेकिन इसके भीतर भी यह स्वर्गीय अजीत जोगी का गढ़ रहा है। वे 2 बार कांग्रेस की टिकट से तो 1 बार अपनी पार्टी की टिकट से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने यहाँ रिकॉर्ड मतों से हमेशा जीत हासिल की है। उनके पुत्र अमित जोगी इसे अपने पिता का गढ़ मानते हैं। मरवाही से कोई और नहीं, केवल और केवल मरवाही के कमियां नंबर 1 माननीय अजीत जोगी जी ही चुनाव लड़ेंगे। यहां 20 वर्षों से जोगी परिवार का ही सदस्य चुनाव जीतता आया है। मरवाही मूलतः पिछड़ा आदिवासी इलाका है और इसकी दूरी भी जिला मुख्यालय बिलासपुर से लगभग 150 किलोमीटर है। यहां पर कितना विकास हुआ है या शासन की कितनी योजनाएं यहां तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं, इसी मुद्दे पर इस बार चुनाव होना है, क्योंकि यहां की जमीनी हकीकत की कहानी कुछ और ही है। कांग्रेस के लिए यहां स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना पिछले चुनाव की तरह ही मुश्किलों से भरा होगा। यहां से अमित जोगी एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे संभावना तो स्वर्गीय अजीत जोगी की बहू और अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की है। स्वर्गीय अजीत जोगी के लिए इस क्षेत्र में भारी समर्थन है और उन्हें इस क्षेत्र की जनता बेहद पसंद करती है, तभी वे लगातार जीत के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चले गए। इसका फायदा जोगी कांग्रेस को मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। बीजेपी ने इस सीट पर अपनी तैयारियां अभी शुरू नहीं की है। वैसे भी इस बार मरवाही सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और जनता कांग्रेस के बीच ही होगा। इस सीट पर चुनाव इस बार ज़्यादा दिलचस्प होगा। स्वर्गीय अजीत जोगी के नहीं रहने पर यहाँ की जनता का रुख क्या होगा, इसका फैसला होगा। वहीं कांग्रेस के सामने अपने गढ़ को पुनः हासिल करने की चुनौती होगी। DNX TV रायपुर।